गुड मॉर्निंग फ्रॉम कल्पना फोतेदास किचन। ये मटन कीमा है, ये बहुत ही सॉफ्ट बना है। इसे सॉफ्ट बनाने के लिए मैंने एक चीज़ इस्तेमाल की है इसमें, तो वो एक टिप है, तो उसके लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी मटन कीमा। ये 1 किलो मटन कीमा है, इसको मैंने इस वाले स्पाइस जार में ग्रेट किया, बहुत फाइन पीसा है। और अब मैं इसमें एक अंडा डाल रही हूँ बीट किया हुआ। कश्मीरी मिर्ची पाउडर 2 स्पून्स, 1 स्पून गरम मसाला, ये घर का पीसा हुआ गरम मसाला, 1 और नमक। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें 1 स्पून अरारूट पाउडर मिक्स कर रही हूँ, इससे सॉफ्टनेस आती है कीमे में। तो ये पूरे सारे इंग्रेडिएंट्स मैं मिक्स करूँगी अच्छे से। इसको मैंने अच्छे से मिक्स किया और इसमें से जो वेन्स टाइप के हैं ना लंबे से, वो मैंने निकाल दिए। इसको मैं 1 घंटे का रेस्ट देती हूँ फ्रिज में। कीमे को मैंने फ्रिज में से बाहर निकाला, तो अब मैं इसकी कोफ्ती बनाऊंगी, जिसको कि मच्छगांठ बोलते हैं। मैं हाथ में तेल लगाऊंगी, इसमें मैंने तेल रखा है। जैसे इतना लिया, मच्छगांठ तैयार है। 1 किलो कीमा में से मेरे 22 मच्छगांठ बन गए, 22 कोफ्ते बन गए। मैंने इसमें 1 टेबलस्पून ऑयल डाला है, गरम करने को रखा है, गैस ऑन किया। तेल गरम हो गया, 1/2 स्पून ज़ीरा, 2 स्पून कश्मीरी मिर्ची पाउडर, 1 स्पून सौंफ पाउडर, 1 स्पून सौंफ पाउडर, 1/2 का पीसा हुआ गरम मसाला, इसमें बड़ी इलायची भी पीसी है। ये टमेटो प्यूरी है, पूरा 1 डब्बा है, मैं इसमें डाल दूंगी। एक लीटर पानी, स्वाद अनुसार नमक, कोफ्ते इसमें डालूंगी। इसमें सारे कोफ्ते डाल दिए मैंने, इसको थोड़ी देर उबालेंगे। 1 उबाला आने के बाद मैं इसको ढक्कन लगा दूंगी, अंडर प्रेशर पकाऊंगी 2 फुल सीटी और 5 मिनट सिम पे, उसके बाद मैं गैस बंद करेंगे। मैंने गैस बंद किया, इसका ढक्कन खोलते हैं। इसको अभी और बॉईल करते हैं जब तक कि ये गाढ़ा हो जाए। कीमा अब तैयार हो गया है, देखिए रस कितना गाढ़ा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप भी बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।